जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाथमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण। जय श्री महाकाल। आदेश, मैं चंद्रनाथ अगोदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंद्रनाथ अगोदी शिव शक्ति तंत्र मंत्र केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही बेहतरीन और लाजवाब साधना देने जा रहा हूँ, जो कि अत्यंत दुर्लभ साधना है। और ये साधना जो है वो अघोर लक्ष्मी की साधना है, प्रत्यक्ष अघोर लक्ष्मी। इस साधना के माध्यम से आप अपने धन के मार्ग खोल सकते हैं, जो आपके रुके कार्य हैं वो बना सकते हैं। और इस साधना की मैं जितनी तारीफ करूं इतनी कमी कम है, क्योंकि जो ये अघोर लक्ष्मी है बहुत ही जल्दी फलदायिनी, बहुत जल्दी फल देती है और साधक की उन्नति के मार्ग खोलती है। इस साधना को करने से साधक की आर्थिक स्थिति और मजबूत होने लगती है, धन का आगमन शुरू हो जाता है और रुके कार्य बनने लगते हैं। हर तरीके से साधक को सपोर्ट करती है और प्रत्यक्ष दर्शन देती है अघोर लक्ष्मी। जो अघोर लक्ष्मी है, इनकी साधना से केवल आप धन के मार्ग खोल सकते हैं, किसी की निगेटिव एनर्जी को नहीं हटा सकते। जो ये प्रयोग है केवल धन के मार्ग खोलने का है। हाँ, अगर अघोर लक्ष्मी की साधना और भी तरीके हैं, इसमें जो गुप्त तरीके हैं उस तरीके से किया जाए तो माँ जो अघोर लक्ष्मी है साधक को उग्र रूप में दर्शन देती है। लेकिन ये सौभ्य रूप की साधना है, जो कि अघोर पंथ में मां लक्ष्मी स्थापित हुई थी, तो जो कि जो अघोर पंथ के रचिता है जो भी हो, कहते हैं कि बाबा किन्नाराम अघोरी और कालूराम अघोरी ने अघोर पंथ की नींव रखी थी, जो कि साक्षात शिव के ही स्वरूप थे, भगवान शिव के। तो जो अघोर लक्ष्मी है ये अपने साधक को धन से संपन्न करती हैं, किसी भी तरीके की कोई समस्या यानी साधक के जीवन में नहीं रह जाती धन से जुड़ी। और इतनी लाजवाब साधना है कि कोई भी साधारण मनुष्य अगर इस साधना को कर ले तो ऐसे तरक्की करेगा जैसे कि आपके आस पड़ोस के व्यक्ति भी देखते रह जाएंगे कि इसने किया तो क्या किया, इतने कम समय में कैसे तरक्की करा इसने, कौन सा बिजनेस चालू किया है इसने। आपका काम वही रहेगा लेकिन इनकम बढ़ जाएगी, रुका धन मिलेगा मां की कृपा से, अघोर लक्ष्मी की कृपा से। और साधक को यानी दर्शन देने के बाद धन से संपन्न होने का वचन देती हैं, आशीर्वाद देती हैं मां लक्ष्मी, क्योंकि ये अघोर मार्ग की लक्ष्मी है। तो बड़ी ही लाजवाब, यानी कि एक तो आप जो वैदिक तरीके से मंत्रों का जाप करते हैं तो वो अलग क्रियाएं हैं, वो है भक्ति भाव से। तो लेकिन जो अघोर लक्ष्मी है उन्हें कम ही लोग पूछते हैं, तो इनका फल भी बड़ी जल्दी मिलता है। अब मैं क्या बताऊं आपको, आज की जो मैंने साधना की माँ अघोर लक्ष्मी की, जब से और आज की डेट में मेरा जीवन ही पलट गया, यानी मेरे जीवन का काया पलट हो चुकी है। धन के मार्ग ऐसे बने हैं मेरे कि बस ये तो माँ लक्ष्मी की कृपा है, बाबा महाकाल की और माँ काली की, कि आज मुझे मेरे जीवन में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। और मैं भी चाहता हूं कि आप ये लोग, जो लोग व्यक्ति परेशान है धन की समस्या से जूझ रहे हैं, वो इस साधना को करें और अपने जीवन में जो उनका जो जीवन का पहिया है, भौतिक जीवन रुक चुका है, उसे बढ़ाएं। और एक बात बता रहा हूं कि जो हमारी संस्था अघोर लक्ष्मी जो कवच तैयार कर रही है और यंत्र तैयार कर रही है, तो
इस यंत्र से और कवच से भी साधक अपने जो धन के मार्ग खोल सकता है। जो भी जो कवच तैयार होंगे वो साधक के नाम से गोत्र से तैयार करके दिए जाएंगे, गुप्त विधि विधानों से मंत्रों के माध्यम से शक्ति को माँ अघोर लक्ष्मी को स्थापित किया जाएगा कवच में और यंत्र में। कवच आप गले में धारण कर सकते हैं और यंत्र आप अपनी पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं। तो जो साधक कवच धारण करना चाहते हैं, साधना नहीं कर सकते, और जो यंत्र मंगाना चाहते हैं वो संस्था के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। अब जो क्या नहीं कि विधान सुन लें, विधान क्या है तो करना क्या है कि ये साधना आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। देखिए, एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर दीपक प्रज्वलित करें घी का और शराब से, घी और शराब से दीपक प्रज्वलित करना है। भोग में आप 5 प्रकार की मिठाई रखें, फल रखें, फूल रखें और एक इत्र की शीशी रख दें, यानी शीशी फोया रख लें चमेली का, ये भोग में रखना है। इस साधना में वस्त्र आपके काले रहेंगे, आसन आपका कुशाका रहेगा, माला रुद्राक्ष की रहेगी और ये साधना 21 दिन की साधना है और 21 दिन में आपको 1.25 लाख जाप करना है। और माँ जो अघोर लक्ष्मी है साधक को प्रत्यक्ष दर्शन देती है। देखिए, साधना आप संकल्प लेकर भी कर सकते हैं और बिना संकल्प के भी। साधना काल में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करना है और जो साधना काल में अनुभव हो सिवाय अपने गुरु के किसी से सहन नहीं करने। तो इस साधना के माध्यम से आप अपने जीवन का, भौतिक जीवन का जो आपका चक्का रुका है उसे घुमा सकते हैं फुल राउंड से। इतनी प्रभावकारी साधना है कि जिन लोगों को ये साधना कराई है आज उनकी जो जीवन में परिवर्तन आया है, माँ लक्ष्मी अघोर लक्ष्मी की कृपा आई है, तो सुनकर अच्छा लगता है हमें। बड़ी ही लाजवाब साधना है। तो ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, वस्त्र आपके इसमें काले रहेंगे, दिशा आपकी इसमें पूर्व रहेगी या उत्तर। तो सब कुछ है। अब साधना के अंतिम दिन वही आपको आहुति करनी होती है और साधक को प्रत्यक्ष दर्शन देती है माँ अघोर लक्ष्मी। तो अब क्या करना है, भोग में शराब भी रखनी है आपने, तो मंत्र सुन लें पहले। मंत्र है ओम हूम ह्रीम श्रीम हूम ओम अघोर लक्ष्मे नमः दरिद्राय नाशिनी धन वर्षारणी तारा शुभ रूपिणी धन लक्ष्मे नमः। मंत्र एक बार सुने, ओम हूम ह्रीम श्रीम हूम ओम अघोर लक्ष्मे नमः दरिद्राय नाशिनी धन वर्षारणी तारा शुभ रूपिणी धन लक्ष्मे नमः। मन को पहले कंठस्थ, मंत्र को कंठस्थ कर लें, फिर उसके बाद साधना करें और 1.25 लाख जाप करना है 21 दिन में। कोई भी साधक बड़े आराम से कर सकता है, तो कोई ताम झाम ज्यादा की जरूरत नहीं है। और इस साधना को एकांत में करे, अपने घर के एकांत में करे, ठीक है। तो साधना के अंतिम दिन यानी 21वें दिन आपको आहुति करनी है। आहुति किस चीज से करनी है वो भी सुन लें। आहुति करनी है आपको हवन सामग्री जो गूगल इलायची लौंगे काले तिल काली मिर्च और गुलाब के फूल ले लें, कमल गट्ठे ले लें कुछ, और देसी घी और शराब, इन सबको मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद शराब और घी किसी अलग पात्र में ले लें, थोड़ा सा हवन सामग्री में मिला लें और 11 माला से आहुति करें। आहुति करते ही साधक को प्रत्यक्ष दर्शन देती है अघोर लक्ष्मी, उस यानी कि धन संपन्न वर देती है धन से। तो बड़ी ही लाजवाब साधना है और इस साधना से ऐसा हो ही नहीं सकता कि साधक अपना जीवन के साधक के जीवन में परिवर्तन ना आए। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।